निखिल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वाह, काजू बादाम। दाके भी हैं इसमें। हाँ पापा, दाके भी हैं। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हूँ पापा। अच्छा, अरे पापा मेरे एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं खूब पढ़ाई कर रहा हूँ मन लगा कर। अरे वाह बेटा, पढ़ाई कर रहे हो तुम? हाँ। वेरी गुड बेटा। बेटा ये लो, ये खा लेना, अगर ये खत्म हो जाए ना तो मेरे से और बोल देना ना। ठीक है पापा। पर ये अच्छे से खाना है ना, पढ़ाई में मन तभी लगेगा बेटा। हाँ। है ना। मेरे बेटे को तो ये कुछ भी लेकर नहीं आए और इसे बड़ा काजू बादाम खिला रहे हैं। खिला लो खिला लो, कितना खिलाना है। ओके मैं चलता हूँ। ठीक है, बोल देना खत्म हो जाए तो। ठीक है, बोल जाऊंगा। बाय बाय। क्यों रे, क्या करने लग रहा है तू? मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहा है? पढ़ लिख करके कलेक्टर बनेगा क्या? एक बात बोलूं तुमसे? बोल। अरे देखो मम्मी, मुझे मेरे पापा लाए। झूठे और कर दिए उनको। हाँ ये ना तेरे लिए नहीं लाए, ये आरुष के लिए है। हाँ मेरे लिए लाए, पर तेरे लिए नहीं है। सुन, तेरे पापा ना तुझे जो भी चीज दिया करे ना, वो सारी की सारी चीजें ना मुझे दे दिया कर। पापा के सामने मत देना। और सुन, अगर मैं भी खाली करूंगा कुछ, ये तेरे लिए नहीं है। सुन, अगर तूने ये बात ना तेरे पापा को बोली ना, तो फिर मैं तुझे इतना मारूंगी, इतना मारूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। मुझे एक काजू दो ना। कितनी बहस करता है मुझसे। मम्मी देखो, ये काजू बादाम सिर्फ आरुष खाएगा, तेरे लिए नहीं है। पढ़ाई करनी तो तेरी पढ़ाई और छुड़वा दूंगी। मैं पापा से ज्यादा मुझे लाता है। पढ़। ये काजू बादाम सिर्फ आरुष के हैं, आरुष खाएगा, तेरा कुछ नहीं है, समझे? और ये घर की सारी जमीन जायदाद भी तेरे हिस्से की नहीं है, ये आरुष की है। पता नहीं हे भगवान कहाँ तेरी माँ मर गई और मेरे सर पे छोड़ गई इस आफत को। मैं तो तुझे ना किसी दिन अनाथ आश्रम में छोड़ाऊंगी। और ये छीन मत लेना, आरुष से आरुष खाएगा, छीन मत लेना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पढ़ाई कर। मुझे एक दाका मुंह मत चलाया कर मेरे से। अरे बेटा अब बस भी करो खेलना, और कितना खेलोगे? हाँ देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। वाओ मम्मी, कितने सारे ड्राई फ्रूट्स। ये लो बेटा, क्या खाओगे बोलो? काजू बादाम किशमिश। काजू खाओ सबसे पहले, अब बादाम खाओ, किशमिश भी दे दूँ बेटा? हाँ ये सारे ही ना बेटे तुम्हारे हैं, निखिल को मत दे देना। नहीं दोगे ना? हाँ इनको ना मैं यहाँ रख देती हूँ, और जब भी तुम्हारा मन हो ना इनको उठा के खा लेना, ठीक है? मैं यहाँ रख देती हूँ, ये सारे तुम्हारे हैं, ठीक है? हाँ वेरी गुड बेटा, चलो अब खेलो, मैं तब तक कुछ काम कर लेती हूँ। अरे बेटा आरुष, ये लो ड्राई फ्रूट्स और खाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत मोटे हो जाओ और पढ़ लिख कर ना बहुत बड़े इंसान बनो और मेरा नाम ना रोशन करो। ये भिखारियों की तरह हाथ क्यों कर रहा है? नहीं मुझे कुछ एक दे दो मम्मी, एक दो ना। पढ़ आगे देख के ले भाई, ये दबाओ ना। ये लूंगी बहन जी। अरे ओ बहना, क्या कर रहे हो? अरे भैया आप। हाँ बहुत टाइम से आया नहीं था मैं आपके घर पे। मतलब आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया आरुष। देखो तुम्हारे मामा आए, नमस्ते करो मामा को। नमस्ते मामा। नमस्ते बेटा। तू क्यों कर रहा है नमस्ते? तेरे मामा थोड़ी ना है, वो आरुष के मामा है। मम्मी मेरे भी हैं। तेरे को मारा भी नहीं और आ कर रहा है। देखना भैया, मैं इसकी वजह से तो बहुत परेशान हो गई हूँ। आए ना दिन मुझे परेशानी करने लगा रहता है। घर के खाने की चीजें भी इसको दो, पता नहीं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मामा मुझे पापा लाए थे और इन्होंने भैया को दे दी। भैया अब आप ही बताओ मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो तू पढ़ाई कर रहा है क्या? इसको पढ़ा क्यों रहे तुम? ये इनके कहने पे पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो किनके कहने पे? पढ़ के क्या करेगा ये? मैं बड़ा बनूंगा, मैं इनका नाम रोशन करूंगा, घर वालों का मैं नहीं करूंगा। नाम कर देगा तू, नाम उनका नाम रोशन तो सिर्फ आरुष करेगा मेरा। तुझे कोई जरूरत नहीं नाम रोशन। मैं करूंगा मम्मी, ये तो खाते में रह जाएगा, खाएगा बड़ा होता रहेगा। चला जाता। देखो भैया
मैं तो तंग आ गई हूँ इससे, क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता इस नालायक का। इसकी ना टोकाई करा करो, रोज डंडे से मारा करो ना। बेटा आरुष, तुम ना इसकी खूब पिटाई करना, ठीक है? क्या करोगे? मैं माँ पापा से सुई बोल दूंगा। पापा कुछ बोले ना, मुझे बुला रहे ना तुम, ठीक है? ठीक है भैया, ध्यान रखना। देखती हूँ कैसे बोलता है, इसको ना मार मार के लाल पीला कर दूंगी। ठीक है बहना, मैं चलता हूँ ना। अरे भैया, ये ड्राई फ्रूट्स तो खा नहीं, नहीं ये मेरे बेटे को खिलाओ, है ना, तंदुरुस्त करो उसको, खूब बढ़िया मोटा बनाओ, तगड़ा बनाओ, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ ना। लो तुम चॉकलेट वॉकलेट खा लेना कुछ। मामा मामा आधे मैं भी ले लूंगा इससे, ये पैसे मैंने, आधे ले लेगा तू, मेरे से मत बोला कर फालतू। मम्मी मामा कैसे है? अब इसको सुधारने की जिम्मेदारी ना तुम्हारी है। मम्मी मामा कैसे है? इसको पैसे देगा? मुझे नहीं देगा ये 5। तुझे क्यों दे जाएंगे? तू इस घर के लिए मनहूस है, तुझे देने की उनको क्या जरूरत है? बेटा चलो, हमें नहीं बैठना इसके पास। मम्मी मुझे लेके दे दो ना डाक। मम्मी और मामा कितने गंदे हैं, दोनों भाई बहन कितने गंदे हैं। उसको पैसे देगा? मुझे नहीं देगा। दोनों के दोनों कितने हंस रहे थे, और मामा से बोल रही थी कि तंदुरुस्त हो जाओगे, ये खाओ वो खाओ, मुझे नहीं खिलाए, पागल मम्मी है वो, तो मेरी देखभाल अच्छे से नहीं करती हैं, आरुष पे मरी जाती हैं वो तो। हे भगवान, मम्मी पापा इनको सबक सिखाए, मुझे कितने बेकार से रखती हैं। आरुष अपन दोनों खेलने चले। मैं नहीं जा रहा। चलो नहीं, मैं नहीं जा रहा। अरे मजा आएगा, मैं तेरे साथ नहीं खेल रहा। क्यों नहीं खेल रहे हो? और किसी के साथ खेलूं मैं, तू यहाँ से जा 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 यहाँ से जा, तू सोता रहा है इसलिए जा। तू वो सगा है। बड़ा आया ये मेरे साथ खेलने वाला सौतेला, मैं तो नहीं खेलूंगा इसके साथ, अब मैं इसे परेशान करा करूंगा। ए इधर पास गुड़िया कहाँ से आई? लाई मेरे को दे, बड़ा आया खेलने वाला है। मुझे दो ना भैया। जा, तुझे जो भी फ्रेंड गिफ्ट दिया करे वो मेरे को दिया कर, आया बड़ा खेलने वाला। मम्मी क्या हुआ बेटा, क्या कह रहे हो? ये गुड़िया निकल के पास पता नहीं कहाँ से आ गई। ओह माय गॉड, ये गुड़िया है, आप इसे बाहर जाने मत दिया करो। ये निकल लाया है बाहर से? हाँ, अपने दोस्तों उसके दोस्तों ने उसे गिफ्ट करी है। बाप रे, आज तो ये गिफ्ट लेके आया है, कल को पता नहीं क्या लाएगा। एक काम करती हूँ, इससे तो ना मैं घर के इतने सारे काम कराया करूंगी। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, उसको ना मैं धीरे धीरे उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दूंगी मैं। ठीक है, जाओ तुम बेटा इससे खेलो, और उसको मत देना ये गुड़िया है। जाओ, बड़ा आया गुड़िया से खेलने वाला। हाँ कुछ भी नहीं दूंगी इसे तो मैं। क्यों रे तू यहाँ बैठा हुआ है? हाँ एक मिनट खड़ा हो। नहीं मम्मी, मैं अच्छा बैठा हूँ। खड़ा हो। हाँ तेरे पास गुड़िया कहाँ से आई? मम्मी मेरे दोस्त ने दी थी। दोस्त ने दी थी? सुन, आगे से ना किसी की कोई चीज घर में लाने की जरूरत नहीं है, और अगर लेकर आए ना तो सबसे पहले मुझे दे देना समझे। और घर में ना बहुत सारे काम डले हुए हैं, आज से तू करेगा, और वो काजू बादाम वाली बात ना पापा को मत बताना, समझे? मुझे दे दिया करोगी एक बादाम? नहीं दूंगी, जा काम कर, नहीं तो मारूंगी। जा यहाँ से जा। ठीक है मम्मी। जा काम कर। बड़ा आया मेरा बच्चा मेरा है, तेरा थोड़ी ना है। जा बेटा, आज ना मैं बाजार गई थी ना, बाजार से तेरे लिए ना मैं बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। हाँ। देख तरबूज, ये क्या खाएगा बता? मम्मी मैं कुछ नहीं खा रहा। मम्मी मेरे को निकल बहुत गंदा लगता है, आप उसे घर में क्यों रख रही हो? उसे घर से बाहर निकाल दो ना। अरे बेटा घर से नहीं, मैं तो उसे दुनिया से ही बाहर निकाल दूंगी, तू चिंता मत कर। अरे मम्मी, आरुष को निकालने की बात कर रही हो? आरुष को क्यों निकालूंगी, आरुष मेरा बेटा है, तुझे निकालने की बात कर रही हूँ, और किसकी करूंगी? मम्मी मैं भी खा सकता हूँ ना एक। कितना बदतमीज हो गया है तू, ये तेरे लिए नहीं लाई, ये आरुष के लिए लेकर आई हूँ मैं, तुझे क्यों दूंगी मैं, रख इसमें। मम्मी तुम मुझे जोर जोर कर क्यों देख रही हो?
रख इसमें और उठा मत लेना, क्योंकि मुझे तेरी शकल से नफरत है, इसलिए तुझे घूर घूर के देख रही हूँ। जा अब यहाँ से। मम्मी ये उधर दो ना। अच्छा एक चाहिए तुझे, एक चांटा दूंगी मैं तुझे, जब मेरा मन होगा तब दे दूंगी। अब निकल यहाँ से, मुझसे ज्यादा मत बोलवा, जा जाना। देखा बेटा तुमने, हाँ। कितना परेशान करता है, इसने तो नाक में दम करके रखा हुआ है। हाँ। मेरा बस चले ना तो मैं तो इसे कब की निकलवा देती, इसको तो निकलवाना है सीधा ऊपर ही। खा लो बेटा, तुम कुछ नहीं खाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी खाने में मन नहीं लगेगा। तुम तो मेरे बेटे हो ना, कुछ तो खा लो, खा लो। चलो और बेटा मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जब तुम्हारा मन हो ना तब इसको उठा के खा लेना है। बेटा मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, ठीक है। क्या तरबूज है, मैं बहुत भूखा हूँ, एक उठा कर देखता हूँ। मम्मी से पूछ मांग कर आता हूँ, मम्मी दे देंगी क्या तो मुझे। मम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, एक काम करता हूँ मैं खुद ही उठा कर खा लेता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। मेरे सामने ना ये ज्यादा नौटंकी मत कर। मम्मी मैंने लगा दिया, मैंने ना सब देख लिया है तुझे। हाँ मेरे से बिना पूछे तूने क्यों उठाया, खाने की चीजों से हाथ मत लगाया कर, तुझे दो टाइम का खाना दे रही हूँ, ये क्या कम है क्या तेरे लिए? तेरे भगवान कितना बेसरम है, अभी भी खाया जा रहा है मेरे सामने, खाया जा रहा है। उठा मत लेना मेरे से बिना पूछे कोई भी चीजें। मम्मी मुझे बहुत मारूंगी, जिस जुबान तोड़ दूंगी, जा बहुत ज्यादा बोलता है, समझ गया ना? ठीक है। मम्मी कितनी गंदी है, मुझे कुछ नहीं खाने देती है, सारी बात मैं पापा से कहूंगा। निखिल, निखिल पता नहीं निखिल कहाँ से निकल गया। निखिल कहाँ गया? निखिल, 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 हेलो निखिल, कहाँ गया निखिल? निखिल, निखिल, कहाँ गया निखिल? निखिल पता नहीं कहाँ गया ये निखिल। मुंह कर दे रहा, ये क्या किससे पूछ के उठाया तूने? रुक तुझे मैं बताती हूँ, ये देख रहा है ना मेरे हाथ में डंडा, रुक तुझे इसी से मारती हूँ। एक डंडे में देख तेरी ऐसी हालत हो गई, अभी तुझे और मारूंगी तो तेरा क्या हाल होगा? मैं टूट जाऊंगी पूरी तरीके से। यही चाहती हूँ कि तू टूट जाए। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपका बेटा हूँ। तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है, मनुष्य है तू। मैं बेटा ही हूँ। निखिल कहाँ गया निखिल?
ये क्या है निखिल, क्यों मार रही हो निखिल को? वो क्या है, मैंने नहीं मारा, वो निखिल कह रहा था कि चलो मम्मी मस्ती करते हैं। बेटा बताओ निखिल, पापा देखो मेरे तरह आके घूम रही है और निखिल मुझे बहुत मारा। तुम पूरी सच्चाई बताओ मेरे को। हाँ पापा, पापा पापा इन्होंने मेरी बदनाम और वो काजू उड़ा के वो छुपा कर रख दी। झूठ मत बोल पापा। हाँ क्या बोल रहा है, क्या बात सुने तेरी? हाँ पापा उन्होंने अलमारी के पास में रख दी। और झूठ मत बोल, सच सच बात बता। छोड़ उसको, मार मत, ठीक है ना? तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा, हम दोनों रहेंगे। चाटा मारा घर से जा। देखो ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिखता है, इसको क्यों रखे हो? पापा पापा आप मम्मी को क्यों मार रहे हो? देख ये कैसा बर्ताव कर रही है इसके साथ। पापा ये भी घर से निकाल, नहीं तेरे को निकाल देंगे हम। पापा ये भी हम दोनों रहेंगे मेरे साथ, निकल और मैं रहेंगे। तू निकल घर से, अभी निकालता हूँ तेरे पापा, को। पापा ये मम्मी बहुत ही गंदी है, मुझे मारती रहती है दिन भर। और पापा मुझसे झाड़ू लगवाया था और पोंछा अच्छा? भी लगवाया था। देख मैंने तेरे से शादी इसलिए की थी, मैं समझा रहा हूँ ना इसको। हाँ। मैंने तेरे से इसलिए शादी की थी कि तू मेरे बेटे को अच्छे रखे, वरना तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा और बेटे ये और मैं ही रहेंगे घर में। चल निकल तू यहाँ से, चल निकल, निकल यहाँ से। तू भी निकल ले, जा निकल, जा यहाँ से। बोलो ना पापा को कि मुझे क्या बोले, चल जा यहाँ से, निकल। मेरे साथ एक मौका दे दो, अब मैं निखिल के साथ बिल्कुल भी गलत व्यवहार नहीं करूंगी। और बेटा आरुष तुम भी निखिल के साथ गलत व्यवहार मत करना, उसे अच्छे से रखना। मेरे साथ निखिल हमें माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी गलती की थी, मुझे माफ कर दो। आप भी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। तुम्हें माफ कर दी, माफ कर दी। हाँ ठीक है, बस मुझे एक मौका और दे दीजिए। एक मौका और दे रहा हूँ तेरे को, अब मैं अंतर नहीं करूंगी, इनको अपने बच्चों की तरह रखूंगी। हाँ मम्मी अब तो कुछ नहीं करोगी ना मेरे साथ? नहीं बेटा कुछ अब करे ना मम्मी, मेरे को बताना अब। ठीक है बेटा, अब कुछ भी नहीं करूंगी, इनको बहुत अच्छे से रखूंगी। ठीक है, ठीक है। चलो बेटा अब तुम दोनों अपने पापा के पैर छुओ, पैर छुओ आरस। बस 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 बेटा चलो, चलो अब मैं तुमको खाना देती हूँ। चलो 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 मम्मी, चलते हैं। आज क्या बनाओगी खाने में? गुड़।